क्या आप जानते हैं प्रकृति ने हमें एक ऐसा चमत्कारी पौधा दिया है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज भी करते आए हैं बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए। इस पौधे के हर एक भाग का उपयोग औषधि की तरह किया जाता है, जैसे कि इसके फूल, पत्तियां, छाल, पौधे का रस, बीज आदि। इस पौधे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो इसे मिरेकल प्लांट बनाती है, जैसे कि 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ओमेगास यानी कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, 20 अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें 90 से ज़्यादा पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है इसी मिरेकल प्लांट को, जिसे हम हिंदी में सहजन के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है, इंग्लिश में हम इसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन गीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यूट्री हेल्थ युक्ति चैनल पे। यहाँ आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इस प्लांट में कितना न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि इसे एक मिरेकल प्लांट बनाता है। योगर्ट से भी दुगनी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क से 4 गुना अधिक मात्रा में इसमें कैल्शियम पाया जाता है। 14 गुना अधिक मात्रा में इसमें विटामिन डी पाया जाता है। पालक से 4 गुना अधिक मात्रा में इसमें कैलोरीज पाई जाती है। पालक से 3 गुना अधिक इसमें विटामिन ई पाया जाता है। बादाम से 3 गुना अधिक मात्रा में इसमें आयरन पाया जाता है। केले से 3 गुना अधिक इसमें पोटेशियम होता है। गाजर से 4 गुना अधिक इसमें विटामिन ए पाया जाता है। आइए देखते हैं मोरिंगा में हेल्थ बेनिफिट्स कितने पाए जाते हैं। स्किन एंड हेयर। सहजन के बीजों से बना तेल, जिसे बेन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। मोरिंगा में पाया जाने वाला प्रोटीन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, और इसकी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी से हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे स्किन को किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाता है मोरिंगा। एडिमा। एडिमा एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के सेल्स में फ्लूइड का जमाव हो जाता है। मोरिंगा की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें इस तरह की परेशानियों से बचा सकती है, हमारे बॉडी के टिश्यूज में फ्लूइड को जमा नहीं होने देती और एडिमा को डेवलप होने से रोक सकती है। प्रोटेक्टिंग द लीवर। टीबी के पेशेंट को दी जाने वाली एंटी ट्यूबेकुलर ड्रग्स से होने वाले प्रभावों से जो हमारे लीवर को डैमेज होता है, मोरिंगा उस लीवर को रिपेयर करता है, हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है। प्रिवेंट कैंसर। मोरिंगा जो है कैंसर को रोकने में और इसका इलाज करने में सक्षम है। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट यानी कि उसके अर्क में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैंसर को डेवलप नहीं होने देती हमारे शरीर में और कैंसर को फैलने नहीं देती, उसकी ग्रोथ को। मोरिंगा हमारे शरीर में कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल रखती है, उसको फैलने नहीं देती। स्टमक डिसऑर्डर। मोरिंगा में मौजूद एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में बहुत से पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित रोगों में ये हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि। मोरिंगा में विटामिन बी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसे और अच्छा बनाता है। फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज। मोरिंगा अर्क में पाए जाने वाली एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज हमारी मदद करती है, हमें राइजोपस और ई कोलाई जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये हमें बचाता है। मेकिंग बोन्स हेल्दियर। मोरिंगा में कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये हमारी हड्डियों को हेल्दी बनाता है, उसे स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ ही मोरिंगा अर्क में पाई जाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से भी बचा सकती है और अर्थराइटिस से डैमेज हुई हमारी हड्डियों को रिपेयर करने की ताकत है मोरिंगा में। मूड एनहेंसर। मोरिंगा में डिप्रेशन, एंजाइटी और थकान को दूर करने की ताकत होती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर आपको एंजाइटी और थकान हो गई है तो आप मोरिंगा को ले सकते हैं। मोरिंगा थकान को दूर करेगा, आपके मूड को स्विंग करेगा। प्रोटेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
मोरिंगा हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है। इसमें पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारे हार्ट को डैमेज होने से बचाते हैं, हम कार्डियक अरेस्ट जैसे सिचुएशन से ही हमें बचाते हैं। वोंड हीलिंग, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है किसी भी तरह के घावों को जल्दी ठीक करने में, घावों से होने वाले स्कार्स को रिड्यूस करने में ये बहुत ही कारगर है। ट्रीटिंग डायबिटीज, मोरिंगा हमारे ब्लड ग्लूकोज के अमाउंट को कम करता है। शुगर पेशेंट में उनके यूरिन में शुगर और प्रोटीन भी सेक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशेंसी आ जाती है। तो अगर वो मोरिंगा लेंगे तो वो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके कारण उनके शरीर में हीमोग्लोबिन और प्रोटीन का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगा। ट्रीटिंग अस्थमा, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें मोरिंगा बचा सकता है सीवियर अस्थमेटिक अटैक से। उनके लंग फंक्शन को ये बेटर बना सकता है, ब्रीदिंग पावर को स्ट्रांग कर सकता है। मोरिंगा में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी स्टोन से होने वाली टॉक्सिसिटी के लेवल को कम करता है। फिर चाहे वो स्टोन आपकी किडनी में हो या ब्लैडर में हो, ये उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने में काफ़ी कारगर है। रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, मोरिंगा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारी आर्टरीज को के अंदर का लचीलापन बनाए रखने में काफ़ी कारगर है। अगर हमारी आर्टरीज ठीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक मेन रीज़न होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का, तो ये उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपके आर्टरीज को ठीक नहीं होने देगा मोरिंगा। मोरिंगा में ऐसे हाई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार है, जैसे कि डायलेशन ऑफ रेटेनल वेजल्स। ये हमारे रेटेनल वेजल्स उसकी कोशिकाओं को फैलने से रोकता है, उसकी थिकनिंग को कम करता है, जिससे कि हमारी आई साइट बहुत अच्छी रहती है और रेटेनल डाइस फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से ये हमें बचाता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एनीमिया एंड सिकल सेल डिजीज, मोरिंगा की प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, आपकी बॉडी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। जिनकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स काउंट को बढ़ाता है और एनीमिया और सिकल सेल्स जैसी डिजीज से हमें बचाता है। मोरिंगा कैन वेट लॉस, बहुत से एविडेंस मौजूद हैं कि हमें ये बताते हैं कि मोरिंगा वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मोरिंगा में हाई विटामिन बी पाया जाता है, ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है और जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं उसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि फैट में स्टोर करने से ये रोकता है। तो जो भी आप खाएंगे उसे ये फैट में स्टोर नहीं करेगा, उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जब आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज कम होगा तो आपका डेफिनेटली आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा, रिड्यूस होगा धीरे धीरे जो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इसका एक यही रीज़न है कि ये एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं होने देता, हमारे वेट को मेंटेन रखता है। मोरिंगा के इतने बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। इसको लेने से पहले कुछ प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसकी तासीर गर्म होती है, प्रेग्नेंट लेडीज इसे अवॉइड करें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मोरिंगा का काम है शुगर और बीपी के लेवल को कम करना। और अगर आप पहले से ही मेडिसिन ले रहे हैं शुगर या बीपी को कम करने के लिए और उसके साथ आपने मोरिंगा भी लेना स्टार्ट कर दिया बिना डॉक्टर की सलाह से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपके शुगर और आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा डाउन भी कर सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें, तभी इसे शामिल करें अपनी डाइट में और हमेशा इसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही लें। मोरिंगा लीफ जो है थायराइड फंक्शन को इंक्रीज करता है, उसे अच्छा बनाता है, उसे बेटर बनाता है। थायराइड के पेशेंट भी मोरिंगा और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बचें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।